अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन से अब हम लोग एक नई सीरीज लेके चलेंगे रिप्रोडक्शन के मुताबिक, जिसमें हम लोग डिफरेंट रिप्रोडक्शन के टाइप, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगी वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंसुरेशन साइकिल ऑफ फीमेल, बर्थ साइकिल ऑफ फीमेल, इसके अलावा एसटीडी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, इसकी टाइप्स आगे उनकी डिटेल, तो हम लोग जो सीरीज लेके चलेंगे वो ये होगी। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग जर्नल रिव्यू देखेंगे कि रिप्रोडक्शन बेसिकली ये डेफिनेशन है क्या, और जो दो बेसिक टाइप है रिप्रोडक्शन की, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने हेडिंग दी है रिप्रोडक्शन, तो जो रिप्रोडक्शन है इसमें लफ्ज़ री से मुराद अगेन, और प्रोड्यूस या प्रोडक्शन से मुराद प्रोड्यूस, फॉर्मेशन या सिंथेसिस। ठीक है जी, तो जो रिप्रोडक्शन का लिटरली मीनिंग है वो क्या जी, दोबारा बनाना, पैदा करना, बनाना या बनना। इसमें क्या होता है जी, एक चीज दोबारा बनती है। अब जाहिर सी बात है, नॉर्मली जब लोग रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लेते हैं उसमें ये होता है कि एक जानदार अपने जैसी नस्ल बनाता है, तो इसमें फिर दोबारा कैसे बन गया वो? तो बेसिकली इसमें एक जानदार दोबारा बनता नहीं है, बेसिकली वो जानदार एक नया जानदार बनाता है सेम उन्हीं प्रोसेस को रिपीट करके, जिन प्रोसेस के रेपिटेशन से वो खुद बना होता है। अगर वो एसेक्सुअल जानदार था, ठीक है जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, तो वो जो आगे नस्ल पैदा करेगा सेम वही एसेक्सुअल के प्रोसेस होके वो पैदा होगा जिससे वो जानदार खुद बना है। इसी तरह अगर एक जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, तो वो जो अगली बिल्कुल अपने जैसी नस्ल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है तो इंसान ही पैदा करेगा, ठीक है जी, कोई जानवर है तो जानवर पैदा करेगा, तो वो बिल्कुल उन्हीं स्टेप से गुजर कर वो पैदा होगा जिस स्टेप से गुजर के वो जानदार पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो रिप्रोडक्शन इससे बड़ा होता है अगेन प्रोड्यूस, कि एक जानदार का दोबारा उन्हीं स्टेप से होकर पैदा होना जिस स्टेप से उसके पेरेंट्स पैदा हुए थे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं। रिप्रोडक्शन क्या जी, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है जी, तो रिप्रोडक्शन की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, एक अगली नस्ल पैदा करने का जो प्रोसेस होता है उसे आप लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है ये प्रोसेस है, ठीक है जी, तो ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला प्रोसेस होगा कि पहले ये चीज होगी, उसके बाद ये चीज होगी, ठीक है जी, एक स्टेप कंप्लीट होगा फिर दूसरा स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा फिर तीसरा स्टेप आएगा, तो इस तरह होगा। और क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी। अब नेक्स्ट जनरेशन से मुराद अगली नस्ल हम लोग लेते हैं। इसमें अगर एक सेल है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जब वो डिवीजन करके दूसरे अपने जैसे सेल बनाएगा, ठीक है, पेरेंटल सेल, डॉटर सेल बनाएगा, तो ये इसकी क्या होगी, दिस फेज ऑफ सेल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, या जिसे हम लोग सेल साइकिल भी कहते हैं। सिमिलरली एक इंडिविजुअल है, तो जब वो एक नया पर्सन बनाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल इस जैसा होगा, तो उसे आप लोग कहेंगे ये रिप्रोडक्शन है। ये कह रही, ये सेल लेवल पे आती है और ये ऑर्गेनिज्म लेवल पे, कि एक जानदार अपने जैसा जानदार बना रहा होता है। अब वो जो जानदार बनता है वो डिपेंड करता है कि अगर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो वो बिल दोनों आइडेंटिकल होंगे, और अगर वो एसेक्सुअल की बजाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है तो वो बनने वाला जानदार अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होगा, वेरिएंट होगा, वजह क्रॉसिंग ओवर हुई है, वेरिएशंस आएंगी, ठीक है, जो लीड्स करेंगी एवोल्यूशन को। तो रिप्रोडक्शन क्या जी, ये प्रोसेस है जिसमें एक जानदार या एक सेल नेक्स्ट जनरेशन बनाता है। ठीक हो गया, अब ये रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? ठीक है, किसी जानदार का अपने जैसा जानदार बनाना जरूरी क्यों है? तो इसकी कुछ रीजंस हैं, वो देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, किस लिए? फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन ना करे तो कोई मसला नहीं, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन छोड़ दें तो उस स्पीशीज का जो सर्वाइवल है, जो एग्जिस्टेंस है, वो नहीं रहेगी, वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो नंबर वन ये क्यों जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन या रेस,
नस्ल या एक जैसे कुनबे के अफराद का जिंदा रहना और उसी कुनबे के अफराद का आगे नस्ल ट्रांसफर करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। नंबर टू, इसमें क्या होता है, जो एनवायरमेंट का रॉ मटेरियल है ठीक है जी, एनवायरमेंट के अंदर जो रॉ मटेरियल होगा वो ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। अब डायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व हो गया कि एनवायरमेंटल मटेरियल माहौल में है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे आ गया, तो रिप्रोडक्शन की जैसे हमने कहा था टाइप है, तो अगर एसेक्सुअल है तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया, अगर सेक्सुअल होगा तो क्या होगा जी, पहले वो मटेरियल ट्रांसफर होगा सेक्स सेल्स में ठीक है जी। सेक्स सेल्स क्या है, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्म इन द केस ऑफ मेल एंड एग इन द केस ऑफ फीमेल। अगर वो मेल होगा तो रॉ मटेरियल उस मेल के स्पर्म में जाएगा, और अगर वो फीमेल है तो एनवायरमेंटल रॉ मटेरियल उस फीमेल की एग में जाएगा। जब वो दोनों कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जाइगोट बनाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो जाइगोट एक इंडिविजुअल में बनेगा, तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ, एनवायरमेंट का रॉ मटेरियल एक नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। अब इन प्रोसेस के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, वो क्या जी, बेसिकली हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करना है ठीक है जी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, वो क्या जी, हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर ठीक है जी। जो हेरिडिटी मटेरियल होगा वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होना है, या वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर करना, ताकि क्या होगा, जो बेहतर करैक्टर है वो आगे से आगे जाएं और जो बेहतर करैक्टर नहीं है वो रुक जाएं, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है। तो आसान अल्फाज में जैसे हम लोग डार्विन वगैरह की जब हम लोग एवोल्यूशंस पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बेहतर होगा वही एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइवल के काबिल या सर्वाइव करवा पाएगा, और जिनके अंदर ये फिटनेस नहीं होगी वो एट द एंड डेड हो जाएंगे ठीक है जी, मर जाएंगे, शिकार हो जाएंगे, भूख की वजह से मर गए, एनवायरमेंटल स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हेरिडिटरी मटेरियल के ट्रांसफर से मुराद बेसिकली वही है कि जो बेनिफिशियल करैक्टर्स हैं, बेहतर से बेहतर करैक्टर है जो किसी इंडिविजुअल को उसके एनवायरमेंट में सर्वाइवल के काबिल बनाते हैं, वो ट्रांसफर हों। और जब ऐसा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा जी, एवोल्यूशन हो रही है ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है कि क्या होगा, बेहतर करैक्टर ट्रांसफर होंगे और जो बेहतर करैक्टर नहीं है वो नहीं ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से एक स्पीशीज करैक्टर लेते लेते कुछ नस्लों के बाद क्या होगा, नई स्पीशीज बन सकती है, सब स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये डिफरेंट एवोल्यूशन के जरिए होता है, और इसके लिए सबसे बेहतर मैकेनिज्म क्या जी, हेरिडिटी ट्रांसफर हो, मटेरियल डीएनए ट्रांसफर हो अगली नस्ल में, और उस डीएनए को अच्छे तरीके से ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोसेस सबसे बेहतर है, वह है रिप्रोडक्शन। तो इस वजह से जो रिप्रोडक्शन होती है वो किसी भी सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, किसी भी नस्ल के या पॉपुलेशन के जिंदा रहने की वजह है ठीक है। इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल रॉ मटेरियल चला जाता है अगली नस्ल में, और जो बेहतर करैक्टर होंगे वो अगली नस्ल में जाएंगे, जिससे क्या होगा, एवोल्यूशन होगी और एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। तो इन तीन पॉइंट्स की वजह से रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, हम लोगों ने जैसा कि इंट्रो में हमने बात की थी कि आज हमने जो पढ़ना है वो एक जनरल सा रिव्यू था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, और जो दो बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल वो किस तरह की होती हैं ठीक है जी। तो उनको स्टडी करके देखते हैं। तो जी नॉर्मली जो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप चली जाती है वो है दो। नंबर वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है जी, जो प्रिमिटिव है, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के, जब जमाना मौजूद था या जब
पहली दफा जिंदगी का आगाज हुआ था तब इंडिविजुअल ने अपनी तादाद या एक नस्ल से दूसरी नस्ल कैसे बनती थी वो प्रोसेस था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलरली सेक्सुअल के जिसे हम लोग थोड़ा सा एडवांस मानते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक नस्ल मियोसिस के जरिए दूसरी नस्ल पैदा कर रही होती है जो कि सेम होती हैं और साथ ही साथ वेरिएंट यानी कि डिफरेंस भी होते हैं, उनमें करैक्टराइज वाइज क्रोमोसोम की शफलिंग हो रही होती है। तो जैसे कि हमने स्टार्ट भी बात की है तो देखते हैं ये क्या जी प्रिमिटिव है, ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या जी प्रिमिटिव फॉर्म है, पुरानी किस्म की है जी, काफी कैसे आप कह सकते हैं पुरानी किस्म है कि जिंदगी के आगाज पे जो जानवर एक से दो से चार होते थे वो रिप्रोडक्शन का जो मेथड था वो था एसेक्सुअल। जबकि हम लोग सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसे हम लोग कह लेते हैं जी दे आर मॉडर्न या एडवांस फॉर्म, ठीक है जी, जो आजकल ज्यादातर जानवर करते हैं। अच्छा जी, अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल की नॉर्मली हम सब लोग डेफिनेशन में जानते हैं तो उसमें दूसरा डिफरेंस ये आएगा कि इसके अंदर क्या होता है जी द टाइप ऑफ डिवीजन सॉरी द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वन, ठीक है जी, इंडिविजुअल प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है जी। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है इसके लिए दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, वन इज कॉल्ड मेल एंड द अदर इज कॉल्ड फीमेल। तो इसमें क्या होगा जी द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ पेरेंट्स, ठीक है जी, प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है जी, ये इनमें दूसरा मेजर डिफरेंस होगा। अच्छा जी, अब डिवीजन के टाइप में आते हैं क्योंकि बेसिकली जो भी नस्ल पैदा होगी उसमें एक सेल ने डिवाइड कर करके एक से दो, दो से चार बनने हैं, तो किस में कौन सी डिवीजन हो रही होती है। तो जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रिमिटिव है पुरानी किस्म के, तो उस जमाने में जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं या हम लोग जो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं उस जमाने में हमें लगता जो हमें एविडेंस मिलते हैं उसके लिए आज तक जी बैक्टीरिया, ठीक है जी, जो किंगडम मनेरा से ताल्लुक रखते हैं वो उस जमाने में थे, प्रोक्रियोट उस जमाने में थे, उनके अंदर जो डिवीजन की टाइप होती है वो माइटोसिस जैसी होती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर जो जानवर होते हैं वो डिवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस, ठीक है जी, उनमें क्या होती है माइटोसिस होती है रिप्रोडक्शन की बेस। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है इसमें जो रिप्रोडक्शन की बेस होगी वो होती है मियोसिस, ठीक है जी। माइटोसिस और मियोसिस ये मेरी लेक्चर्स की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है जी, इसके अंदर डेफिनेशन में हमने लिख दिया था एक पेरेंट चाहिए, ठीक है जी, वन पेरेंट इन्वॉल्व, और जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व, ठीक है जी। अच्छा जी, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इसके अंदर गैमेट्स का जिक्र करते हैं कि माइटोसिस के अंदर एक इंडिविजुअल से डायरेक्ट दूसरा इंडिविजुअल बनता है ना मियोसिस हुई, लिहाजा गैमेट्स भी नहीं बनेंगे, तो लिहाजा नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है जी, गैमेट्स क्या होंगे नहीं बनेंगे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई इंडिविजुअल पैदा ही तब हो सकता है जब स्पर्म और एग आपस में जुड़ के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जायगोट बनाए, तो लिहाजा अगर इनके अंदर गैमेट्स बने ही ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या जी फॉर्मेशन होनी चाहिए हर हाल में, किसकी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है जी, एग और स्पर्म का बनना चाहिए। अब जाहिर सी बात है एग और स्पर्म दे आर सेल, एग भी एक सेल है स्पर्म भी एक सेल है, तो लिहाजा सेल किसी ना किसी ऑर्गन किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर तो बनेगा और वो स्ट्रक्चर हम लोग सेक्स ऑर्गन्स के नाम से पढ़ते हैं।
तो जब इनके अंदर गैमेट्स बन ही नहीं रहे तो इनके अंदर फिर सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए जो अगला डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में, वो क्या जी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जानदार रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है जी, उनके अंदर क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे, जबकि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं गैमेट्स बनते हैं, लिहाजा गैमेट्स बनाने वाले ऑर्गन्स का होना बहुत जरूरी होगा, तो इसलिए इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो मौजूद हैं। ठीक है जी, सेक्स ऑर्गन से मराद, ठीक है, मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरीज होना चाहिए। अच्छा जी, देन उसके बाद अब गैमेट्स बन गए फर्ज करें, ठीक है जी, तो उन गैमेट्स को किसी ना किसी तरीके से आपस में फ्यूज भी तो करवाना है, वजह इसके अंदर मियोसिस हुई है, तो मियोसिस में हैप्लॉयड सेल बनते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल मोस्टली होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, तो एग और स्पर्म दोनों के अंदर हाफ क्रोमोसोम होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन से जोड़ा जाएगा, इनकी फ्यूजन होगी ताकि एक डिप्लॉयड जायगोट बने जो अगली नस्ल की बुनियाद है, तो इनके अंदर फिर फर्टिलाइजेशन होनी पड़ेगी, वजह एग और स्पर्म को जोड़ना है, अगर वो जुड़े ना तो वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल नहीं बन सकता, तो लिहाजा इनके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है जी, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे जब इनके अंदर गैमेट्स ही नहीं बनते तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का भी फिर कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, कोई वजह नहीं है, लिहाजा फर्टिलाइजेशन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, चलो ये हो गया, अब प्रोजनी की बात करते हैं कि जो अगली नस्ल आएगी, ऑफस्प्रिंग्स हैं, सिबलिंग है, प्रोजनी है, वो कैसी होगी, तो हम लोग माइटोसिस की डेफिनेशन अक्सर पढ़ते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच अ पेरेंटल सेल डिवाइड एंड फॉर्म डॉटर सेल, बोथ पेरेंट्स एंड डॉटर सेल आर आइडेंटिकल्स। माइटोसिस से एक सेल, एक इंडिविजुअल दूसरा सेल या दूसरा इंडिविजुअल बनाएगा तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, वजह माइटोसिस में जेनेटिक मटीरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एग्जैक्ट कॉपियां बनती हैं, तो लिहाजा इसके अंदर जो प्रोजनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ठीक है जी, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, इसमें क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, किसके, पेरेंट्स के, ठीक है जी, वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे ही दिखते होंगे, उनके अंदर एग्जैक्ट रेप्लिका जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली वो आइडेंटिकल होंगे, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे इसमें क्या होगा, क्योंकि एग और स्पर्म बने हैं, ठीक है जी, दो डिफरेंट इंडिविजुअल के हेरिडिटी मटेरियल्स आए हैं, तो मेल्स के अंदर जाहिर सी बात है क्रोमोसोम की जीन्स का जो सीक्वेंस होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फीमेल्स के अंदर भी डिफरेंट होगा, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो क्लियर बात है कि जो बच्चा बनेगा, जो पैदा होगा, उसके अंदर 50% पेरेंट्स जैसा मेल जैसा करेक्टर होगा, अपने फादर जैसा, 50% मदर जैसा होगा, तो लिहाजा वो ना तो एग्जैक्ट माँ जैसा है ना एग्जैक्ट बाप जैसा, तो लिहाजा जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे आर डिफरेंट टू पेरेंट्स, ठीक है जी, वो पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, वजह एक तो 50-50% करेक्टर माँ बाप से आना है, ठीक है जी, हैप्लॉयड क्रोमोसोम 23 इंसान की बात करते हैं तो 23 बाप से स्पर्म के जरिए आए, 23 माँ से एग के जरिए, उसके बाद उनकी क्रॉसिंग ओवर भी होंगी, तो कुछ करेक्टर ऐसे उनमें डेवलप होंगे जो माँ बाप दोनों में नहीं होंगे, तो इसलिए ऐसे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट या वेरियंट टू द पेरेंट्स, वो माँ बाप से थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, ठीक है जी, ताकि हेरिडिटी मटेरियल ज्यादा से ज्यादा बेहतर जो ट्रांसफर हो सकता है वो होता आगे फिटेस्ट ऑफ, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला फिनोमेना यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा जी, देन उसके बाद ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है जी, इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं ऑन द बेस ऑफ शेप चेंजेस, ऑन द बेस ऑफ रेप्लीकेशन, ठीक है, कि वो जानदार किस तरह डिवीजन कर रहा है, उसके अंदर जो एक्सेस ऑफ डिवीजन है या प्लेन ऑफ डिवीजन है वो किस तरह, वो लॉन्गिट्यूडली है, वो एक्सेस वाइज या हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है, अच्छा उसके अंदर एक जानदार के ऊपर एक छोटा सा बड़ तो नहीं बनता, जब एक जानदार दो जानदार बनाएगा तो क्या एक साइज में छोटा तो नहीं है, एक साइज में बड़ा तो नहीं है, उसके बाद और भी डिफरेंट प्रोसेस आते हैं, ठीक है जी, तो एसेक्सुअल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी आती है, तो उसमें आती है जी बडिंग, इसमें एक जानदार दो जानदार में बदलेगा, एक साइज में बड़ा होगा एक साइज में छोटा होगा, देन उसके बाद
फ्रेगमेंटेशन कि एक जानदार को आप दो या तीन टुकड़ों में काट देते हो या तोड़ देते हो, वो दोबारा अपने लॉस्ट पार्ट रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर जो अगली टाइप आती है वो है बाइनरी फिशन, ठीक है जी, कि एक जानदार दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है जी, या एक जानदार को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, वो दो इंडिविजुअल्स में, दो जानदार में बदल जाता है। तो आगे इस बाइनरी फिशन की सब डिविजन्स भी हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल फिशन है, ट्रांसवर्स फिशन है, ठीक है जी। अगली इसके बाद जो मेरी वीडियोस आएगी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसकी टाइप्स जो होगी उसमें हम लोग बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन बडिंग को डिटेल से स्टडी करेंगे। देन इसके अलावा स्पोर्स भी हो सकता है कि अगर इन केस ऑफ प्लांट है तो स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है जी, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, ठीक है। और एक टाइप जो होती है उसे हम लोग इन बिटवीन कंसिडर करते हैं, वो क्या जी, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ये क्या जी, हम लोग सेक्सुअल और एसेक्सुअल के इन बिटवीन कंसिडर करते हैं। नॉर्मली इसे एसेक्सुअल का पार्ट समझा जाता है कि अगर एक एग की फर्टिलाइजेशन ना हो, उसके साथ स्पर्म ना मिले, तो वो एक इंडिविजुअल में बदल जाता है, ठीक है। अगर हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस हम कहेंगे। अगर डिप्लॉयड सेल है कि टोटल नॉन डिसजंक्शन हुआ है कि एक सेल डिवाइड हो गया, दो में बना, एक में क्रोमोसोम कोई भी नहीं किया और एक में पूरे का पूरे जोड़े की फॉर्म में डिप्लॉयड चलेंगे, तो डिप्लॉयड वो एग जो बना है अगर उसकी भी फर्टिलाइजेशन ना हुई और वो एक नए जानदार में बदल गया, तो उसे हम लोग डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे प्रोसेस में एसेक्सुअल है, लेकिन अगर उसके साथ स्पर्म जुड़ता है तो फिर वो सेक्सुअल में चला जाता है, लिहाजा हम लोग इसे दरमियान में ही कंसिडर करते हैं कि ये इन बिटवीन है, कि ये कोई एक ऐसा प्रोसेस है एवोल्यूशन के दौरान कि जो जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल करते थे वो पार्थिनोजेनेसिस फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गए। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की टाइप्स हैं कि वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। लेकिन अगर आप कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई टाइप्स हो के जानदार, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एज सच ऐसी कोई टाइप नहीं है। इसमें फर्टिलाइजेशन है कि एक स्पर्म को एग तक किस तरीके से लाया जा रहा है, वो इंटरनली फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है, वो एक्सटर्नली करवाई जा रही है, ठीक है जी, वो टाइप्स हैं। लेकिन जिस तरह एसेक्सुअल की टाइप्स हैं ऐसी कोई टाइप नहीं है। उसके बाद अब कमर्शियली अगर हम लोग बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है, ठीक है, बहुत तेज होती है इसमें। तो इसका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा जी, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ये फास्ट होती है लेकिन लेस इलेबोरेट होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये बेशक स्लो है लेकिन ज्यादा इलेबोरेट है, ठीक है जी। इसी तरह कुछ डिफरेंस है जो हम ओरली हम बात कर लेते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये किन में हो रही होती है, तो ये हमें मिलती है जी सिंपल प्लांट और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में, ठीक है जी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये हमें मिलती है जी हायर प्लांट और हायर एनिमल्स, जिसे आप लोग वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, उनके अंदर मिलती है। देन उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं जी इनके अंदर ये जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है जी, ये नॉर्मली हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स आते रहते हैं एफएससी लेवल पे, ठीक है जी, बीएससी लेवल पे ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स आते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते रहते हैं। तो ये सारे वो डिफरेंस होते हैं जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, और इन्हीं डिफरेंस को लेते हुए अब हमारी जो रिप्रोडक्शन सीरीज होगी वो चलेगी, जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लेक्चर पढ़ने हैं, ठीक है जी, कंजेक्टिवली आपको वो मिलते रहेंगे। और इस मटेरियल के मतलब अगर आपको ये मटेरियल चाहिए हो तो मेरे ब्लॉग का जो लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जी, इसके मतलब अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।